मैक्सिमम डिमांड दिया गया है, लोड फैक्टर दिया गया है, हमें निकालनी है यूनिट्स जनरेटेड पर ईयर। हम लोग एवरेज निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकाल देंगे एक साल के लिए। द डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल नॉन कॉन्सिडेंट मैक्सिमम लोड ऑफ सम ऑफ द डिफरेंट सब डिविजन ऑफ सिस्टम टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। साधारण सा डाइवर्सिटी फैक्टर का डेफिनेशन पूछा गया है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ सिस्टम्स। बिल्कुल सही है। और हम लोग जानना चाहें लोड फैक्टर के बारे में, तो लोड फैक्टर हमारी होती है एवरेज बटा मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर में देखा जाए तो होती है एवरेज बटा प्लांट की कैपेसिटी। आ जाते हैं पीक लोड इज। ऑब्वियस बात है कि पीक लोड जो होती है बेस के ऊपर वाले लोड को पीक लोड कहते हैं। बेस लोड क्या है? जो 24 घंटे सप्लाई दी जाती है कंटिन्यूअस, मिनिमम लेवल है इलेक्ट्रिसिटी का जो 24 घंटे सप्लाई दी जाती है। पीक लोड क्या है? पीक लोड हमेशा ही बेस लोड के ऊपर होगा। द पीक लोड इज ऑलवेज अबव ओवर एंड अबव द बेस लोड। अगर हम लोग प्लांट्स जानना चाहें तो बेस लोड के लिए प्लांट्स हो जाएंगी क्या? थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर। पीक लोड के लिए प्लांट्स हो जाएंगी हमारी सोलर प्लांट्स, डीजल प्लांट्स एंड द बायोगैस प्लांट्स। एनुअल रेट ड्यूरेशन कर्व हमें दिया गया है, लोड फैक्टर पूछा गया है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या हो जाएगी? 20 प्लस 6 बटा 2, 26 का आधा 13 हो जाएगी। और पीक लोड हमको पता है 20 हो जाएगी। लोड फैक्टर हम लोग जानते हैं एवरेज बटा मैक्सिमम डिमांड। तेरह बटा 20 हो गया। मैक्सिमम डिमांड इज जनरली लेस देन द कनेक्टेड लोड। ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी कनेक्टेड लोड है मैक्सिमम डिमांड उससे कम ही होने वाली है। साथ ही हम लोग डिमांड फैक्टर के लिए जानना चाहें तो डिमांड हो जाती है मैक्सिमम बटा कनेक्टेड लोड। ये डिमांड फैक्टर होती है। मैक्सिमम डिमांड इज जनरली लेस देन द कनेक्टेड लोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पॉइंट, जिससे पता चलता है कि मैक्सिमम डिमांड, माफ़ कीजिएगा, डिमांड फैक्टर जो होगी वो भी लेस देन वन होगी। लोड फैक्टर भी लेस देन वन ही होती है। लोड फैक्टर हो जाएगा एवरेज बटा मैक्सिमम डिमांड। तब आता है डाइवर्सिटी फैक्टर जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी। डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड। डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा ही एक से ज़्यादा होगी। मैक्सिमम डिमांड दिया गया है, लोड फैक्टर दिया गया है, यूनिट जनरेटेड पूछे गया है। तो इसे सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद जो भी एक साल में घंटे होते हैं जो कि हैं 8760 आवर्स, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया हमारा आंसर। एवरेज डिमांड इज एवरेज ऑफ लोड्स टेकिंग प्लेस ऑन पावर स्टेशन इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिफिनेशन पूछा गया है एवरेज डिमांड का। उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका एवरेज क्या हो सकता है। एवरेज के लिए हम लोग इस ग्राफ में अगर देखें तो एरिया निकालने की कोशिश होगी हमारी। एरिया निकाल के टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज बेस्ड ऑन। कैपेसिटी फैक्टर जो होती है क्या चीज से इंडिकेट किया जाता है? एवरेज बटा प्लांट कैपेसिटी से। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए प्लांट इज बेस्ड ऑन प्लांट ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन फॉर विच इट हैज बीन ऑपरेटेड। रिजर्व कैपेसिटी देखे जाए तो प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड होती है। और रिजर्व कैपेसिटी के लिए एक और फार्मूला होता है जो कि बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, शॉर्टकट है। रिजर्व कैपेसिटी इक्वल्स टू मैक्सिमम डिमांड इन टू ब्रैकेट ओपन्स लोड फैक्टर बटा कैपेसिटी फैक्टर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड।
प्लांट कैपेसिटी डिपेंड करता है प्लांट की ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी पे। फॉर हाई लोड फैक्टर फॉर द गिवन डिमांड मैक्सिमम नंबर ऑफ द यूनिट जनरेटेड इज मोर। ओके, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लोड फैक्टर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एवरेज बटा मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर इज इक्वल टू, दूसरे भाषा में अगर हम लोग बात करें तो हो सकती है नंबर ऑफ द यूनिट जनरेटेड बटा मैक्सिमम डिमांड इंटू नंबर ऑफ आवर, जिसमें हमने क्या किया ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्राप्त किया। फॉर द लोड फैक्टर टू बी हाई द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड मस्ट बी मोर, क्योंकि नंबर ऑफ जनरेटेड क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड ओवरऑल पावर जनरेट इकोनॉमिक्स ई इजकल टू होती हैं थ्री पार्ट टैरिफ, यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल है, ए क्या है पूरी तरह से फिक्स पार्ट है, बी क्या है मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है, सी क्या है ये नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है रनिंग चार्ज है। सी क्या है रनिंग चार्ज हो सकती है, जितना यूनिट कंज्यूम होगा उस पर डिपेंड करती है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट में, ए हो जाता है एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, बी हो जाता है कॉन्स्टेंट जो कि मैक्सिमम डिमांड से मल्टीप्लाई किया जाता है, सी हो जाता है जो कि रनिंग पे डिपेंड करती है किलोवाट आवर पे। डिमांड फैक्टर इज टेकन आज, डिमांड फैक्टर क्या होती है, डिमांड फैक्टर होती है मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड जो होंगी मैक्सिमम डिमांड जो होगी लेस देन ही कनेक्टेड लोड होंगी। बिल्कुल है, जैसे हमें डिमांड फैक्टर मिलता है लेस देन वन। यहाँ हम लोग देखें तो डिमांड फैक्टर जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, डिमांड फैक्टर टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, द एरिया अंडर डेली इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक लोड ड्यूरेशन कर्व का एरिया निकाले तो हमारा होगा नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। साधारण सी बात है, एवरेज निकालने के लिए हम लोग उसको भाग देते हैं नंबर ऑफ आवर्स से तो हमें मिल जाता है एवरेज, तो एरिया हमें देती है यूनिट जनरेटेड। ठीक है, आ जाते हैं। द लोड कर्व इज द कर्व शोइंग डैश ऑन द पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लोड कर्व क्या शो करती है, वेरिएशन ऑफ लोड को शो करती है, लोड में किस तरह का वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं, सॉरी लोड कर्व कहते हैं। लोड ड्यूरेशन कर्व दूसरा हो जाएगा, लोड ड्यूरेशन कर्व में हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जब ग्राफ को बनाते हैं तो उसे लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। यहाँ दिया गया है ये हो गया लोड कर्व। लोड फैक्टर इज डिफाइन एज, लोड फैक्टर क्या होती है एवरेज बटा मैक्सिमम डिमांड। दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड बटा मैक्सिमम डिमांड इनटू टाइम। यहाँ देख लेते हैं लोड फैक्टर का डेफिनेशन हमें यहाँ दिया गया है, जैसा कि हमने बताया लेस देन वन होगी बिकॉज एवरेज लोड इज स्मॉलर देन डैश। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करनी चाहिए कि लोड फैक्टर ग्रेटर देन वन हो भी सकती है जब प्लांट को ओवरलोड किया जाए। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आए हैं SSC JEE 2022 में इस टॉपिक से।